हिंदुस्तान को शह और मात देने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है और इस बार उसकी क्या चाल है इस पे भी हिंदुस्तान की पैनी नजर बनी हुई है। एक बार फिर हिंदुस्तान को चीनी चालबाज अपनी धोखेबाजी से किस तरीके से घेरने की रणनीति बना रहा है इसको लेकर के हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर 1962 वाली गलती चीन यहां दोहराता है तो हिंदुस्तान भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और ऐसा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया जाएगा कि चीन के आने वाली कई पीढ़ियां इसे जरूर याद रखेंगी। तो आपको हम दिखाएंगे जी हिंदुस्तान पे किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ चीन साजिश रच रहा है, कौन सी वो चाल है जो इस बार चालबाज चीन हिंदुस्तान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन शह और मात दोनों हिंदुस्तान की तरफ से उसे मिलने वाली है, मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। चीन ने फिर हिंदुस्तान से लगी सरहद पर शतरंज की खतरनाक बिसात बिछा दी है। अंदाज वही सन 1962 की धोखेबाजी वाला है। इस बार भी इलाका वही है, श्योक नदी और गलवान नदी के संगम वाली गलवान घाटी का इलाका, जहां करीब 2 महीने पहले चीन ने पहले चुपके से अपने सैनिकों की घुसपैठ करवा ली और फिर 15 जून को जब हिंदुस्तानी सेना की पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें अपने कदम पीछे करने के लिए शांतिपूर्ण अंदाज में अपील की तो चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला कर हमारे 20 जांबाजों की जान ले ली। चीन की ये शह वाली साजिश की इस शातिर चाल पर हिंदुस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत दे दिया। हमारे जांबाजों ने शहादत से पहले चीन के करीब 45 सैनिकों को मौके पर ही मौत की नींद सुला दी। चीन इसके जवाब में साइकोलॉजिकल दबाव वाली चालें चल रहा है। एक ओर वो हिंदुस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत का नाटक कर रहा है तो दूसरी ओर पर्दे की ओट में लद्दाख के सरहदी इलाकों में अपने सैनिक और सैन्य साजो सामान की तैनाती बढ़ाने में लगा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्फ्रा ने गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन गलवान में झड़प की जगह के पास ही बचाव के लिए बंकर बना रहा है। इस जगह पर चीन ने छोटी छोटी दीवारें और खाई बनाई हैं। ताजा तस्वीरों से अब चीन के धोखेबाज इरादों को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the core commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. लेकिन ये चीन भूल रहा है कि हिंदुस्तान अब 1962 वाला नहीं है। चीन पर अब हम आंख बंद कर भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक चीन से लगी मैकमोहन लाइन पर भी हमारी सैन्य तैयारी पूरी है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन
भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। समंदर में भी हम चीन की चालबाजियों को नाकाम करने की गोटियां बिछा चुके हैं। हिंदुस्तान ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर क्वाड प्रोजेक्ट बनाया है, जो चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए घोड़े वाली चाल साबित हो रहा है, जिससे चीन के हाथ पैर बंध गए। यूएन की स्थायी सीट से हटने के बाद चीन अपने प्यादे पाकिस्तान और उसकी आतंकी साजिशों को बचाने की हालत में भी नहीं रहा है। यही वजह है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ हिमालयी इलाकों में साजिश पर उतर आया है। 2014 से 2019 के दौरान मोदी सरकार ने पूर्वी लद्दाख के इलाके में पहले से मौजूद पुलों के मुकाबले दो गुना ज्यादा पुल बना दिए और सड़कों की तादाद भी 33% बढ़ा दी। इससे चीन की नींद उड़ गई है। साल 2002 से चीन भारत के जिन 12 अलग अलग इलाकों पर जो दावा करता रहा है, उस पर से भी उसकी पकड़ कमजोर हो गई है, इसीलिए वो तिलमिला रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। चीन की सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद दुनिया भर में हिंदुस्तान का दबदबा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को दक्षिण एशिया में रोक कर रखने की उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है, इसीलिए चीन ने पूरी ताकत लगाकर हिंदुस्तान के खिलाफ चली है ड्रैगन की शह वाली साजिश। लेकिन हिंदुस्तान की मात वाली चाल भी तैयार है, तो आइए आपको बारीकी से बताती हैं शतरंज पर चीन की शातिर बिस्तार। जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा पर बिसात बिछी है, एलएसी पर दोनों देश शह और मात के खेल में लगे हैं। हमारी इच्छा यही है कि हमारा देश जीते, शह हम चाइना को दे दें। अब इसमें हर कोई घेरने की कोशिश करेगा, ये राजा है शतरंज के गेम का राजा, उसी तरह चाइना की भी कोशिश होगी कि हमारे राजा को घेर ले, हमारी पोस्ट को घेर ले, एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन पे चले जाए जिससे उसको जीत आसानी से मिल जाए। लेकिन मेरे साथ जनरल सेना साहब हैं, वो बताएंगे कि कैसे भारत की सेना चाइना के हर मंसूबे को, चाइना की हर साल को मात में बदल देगी। सेना साहब, मैप के साथ आप हैं, मैप पे बिसात बिछी हुई है, क्या है सर ये बिसात, क्या है ये मैप जो आपके पास है? देखिए, पहले इसके पहले कि मैं मैप पे आऊं, मैं बोलना चाहता हूं कि चीन की क्या, ये काला जो है वो चीन है जी, जो ये उजला है वो हिंदुस्तान है। तो चीन ने पहली कौन कौन चाल चली, फिंगर 3-4 एरिया में चाल चली जी, गोगरा पोस्ट में चाल चली जी, और गलवान रिवर में चाल चली, गलवान वैली में जी, ये तीन चाल चली। गलवान वैली में PP-14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गोगरा पोस्ट में हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 ए, और पैंगोंग सो लेक के उत्तरी साइड में जो माउंटेन स्पर्स निकलते हैं फिंगर 1-8, उसमें फिंगर और 3-4 के बीच में उसने टेम्पररी बंकर बनाया और ये चाल चली। उसका मकसद था, ये तीनों चाल चलने का एक जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है। गलवान आज जब 1960 में जब बातचीत हुई थी और मैप एग्री किया गया था, उस समय भी गलवान, पूरे गलवान को चीन ने क्लेम नहीं किया था जी। जबकि 1962 में वो विजेता था, वो चाहता तो पूरा गलवान ले सकता था, इसका मतलब है गलवान पे उसका कोई एम नहीं था। तो अभी गलवान पे ये चाल क्यों चली गई है, उसका महत्व है कि मैं मैप के माध्यम से बताना चाहता हूं जी। कि आप देखिए कि ये रहा एक्साई चेन जी।
ये रहा दौलत बेग ओल्डी, ये प्रतापपुर, ये रहा श्योक रिवर, ये रहा डेमचौक चुसू ले तुरतुक और सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा काराकोरम पास। चीन चिंतित है और इधर से जो जा रहा है वो अपना गलवान नदी जा रहा है, गलवान नदी पे हमने एक बेली ब्रिज बनाया है, वो बन गया, बन गया और 3-4 दिन पहले इनॉग्रेट भी हो गया। ये चीन का भय है, क्या भय है, वो चीन चाहता है कि अक्साई चीन से लेके वो सियाचिन ग्लेशियर तक लिंक करे और सीधे पीओके पहुंचे, तो ये पूरा हमको ईस्टर्न पूरा लद्दाख खा जाएगा चीन। ये शतरंज का चाल है गलवान वैली का। सर इसे रोकने के लिए क्या किया हमने, इस चाल को, गलवान वाली चाल को रोकने के लिए, मतलब ये जो लड़ाई हुई है जून में, 15 जून 16 जून को, उसको छोड़ने के अलावा क्या स्ट्रेटजी हमारी हुई? देखिए हम अब एरिया वाइज चलते हैं, एरिया वाइज जब पहले गलवान रिवर की मैं महत्ता बताना चाहता हूं कि पहले गलवान रिवर में चीन को चेकमेट करने के लिए वहां जो एरिया एओआर एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी 16 बिहार रेजिमेंट की। तो चीन तो डिसएंगेजमेंट जब हमने दबाव डालाया डाला, चीन समझता था कि हिंदुस्तान कोविड-19 के कारण और भाई कई कारणों आर्थिक कारणों से वो कोविड-19 में कितनी आर्थिक हालत खराब है, पूरे विश्व का हालत खराब है, हिंदुस्तान का नहीं, तो हिंदुस्तान उस तेजी के साथ उस शक्ति के साथ कन्फ्रंट नहीं कर पाएगा और वो प्लेटफॉर्म चांस ले रहा था कि हम झटके में निकाल लेंगे गलवान वैली। इसीलिए उसने उसकी नजर PP-14 पे पड़ी पूरे गलवान को कट ऑफ करने के लिए। हिंदुस्तान की फौज समझ गई, 16 बिहार रेजिमेंट वहां थे और जब हमने भी अपना मसल पावर दिखाया तो चीन समझ गया कि ये चलेगा, स्टैंड ऑफ नहीं चलेगा। तो वो डिसएंगेजमेंट के लिए तो मान गया 6 जून को, लेकिन कुदृष्टि और उसकी नियत में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी दृष्टि लगी हुई थी किसी भी हालत में हमको गलवान जीतना है। तो उसने क्या किया, जो कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार के कर्नल संतोष बाबू, वो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनको पता था क्या क्या कदम उठने हैं। तो ये देखने के लिए वो 15 जून को जमीनी स्तर पे गए अपने को तसल्ली देने के लिए कि जो पूरी प्रतिक्रिया जो कार्यान्वित हो रही है वो एग्रीमेंट के अनुसार है। तो शुरू में तो पीएलए ट्रुप्स ने दिखाया कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस आया और टेम्पररी स्ट्रक्चर शुरू कर दिया। इस पर कर्नल संतोष बाबू ने आपत्ति जनक की, जब आपत्ति जताया तो पीएलए ट्रुप्स ने रॉड निकाल के उनको शहीद कर दिया, मार दिया। लेकिन जब 16 बिहार रेजिमेंट को ये जवानों को पता चला कि उनका कमांडर कमांडिंग ऑफिसर, उनका माई बाप, उनका भगवान, उनका पिता तुल्य मारा गया है, तो आक्रोश इतना हुआ कि 16 बिहार के जवान खुखरी लेके काउंटर अटैक किए। अब 55 versus 300 पीएलए ट्रुप्स, चाइना की सर आदत ही रही है, दो के मुकाबले 20 भेजते हैं। लेकिन हुआ क्या, सच तो यह है कि आप लोग फिगर्स बता रहे हैं 40-45 की चीन के जवानों की कोई मारा गया है, मेरा अनुमान उससे अलग है, भिन्न है। 57 हेलीकॉप्टर्स, मेरी इनिशियल सूचना थी 47, चलिए 47 मान के चलते हैं, 47 हेलीकॉप्टर्स ने टू एंड फ्रो मूवमेंट किया है कैजीवैक के लिए, कैजुअल्टी वैकेशन के लिए। मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर में 2 या 3 कैजुअल्टी गए हैं, 47 × 3 आप देख लीजिए, 100 का ये आंकड़ा 100-120 टच कर रहा है, इसका मतलब उतने नफरी मरे हैं पीएलए के। तो ये जब तांडव रूप और रौद्र रूप देखा पीएलए ने, वो घबरा गया। तो उसकी जो ये चाल थी 16 बिहार रेजिमेंट के सौरे से घबरा के चीन घबरा गया, और अभी 3 दिन पहले उसने शांति का प्रस्ताव डाला कि मिलिट्री कमांडर्स के लेवल पे मीटिंग हो मोल्डो में। जनरल सिन्हा, जब आप पूरा मैप देखते हैं या फिर जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर या फिर एक लीडर के तौर पर पूरा चेसबोर्ड देखते हैं तो आपकी नजर हर प्यादे पे हर मूवमेंट पे होती है। यहां पे हमने इन्हें रोक लिया, लेकिन ये क्या करते हैं, शातिर चालें चलते हैं। इसने घोड़े की 2.5 चाल रखी हुई है नेपाल के तौर पर, इसने यहां से अपना हाथी का सपोर्ट दे दिया या फिर ऊंट का सपोर्ट दे दिया पाकिस्तान के तौर पर। तो जिस 3 फ्रंट की वो हमें धमकी दे रहा है वो कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और भारत क्या तैयार है 3 फ्रंट की लड़ाई लड़ने के लिए? पहले सबसे पहले मैं उत्तर दूंगा हाँ। और आपका जो पहला मूव था ना जी गलवान का, आप तो 1 कदम चले, मैं 2 कदम चला हूं और मैं आपके पास पहुंच गया, और ये है 16 बिहार रेजिमेंट का शौर्य। तो आपको तो मैंने वहां चेकमेट कर दिया, घेर दिया, और आपकी हालत इतनी खराब हो गई, आप इतने भयभीत हो गए, जो संडे गार्जियन में भी निकला है कि पीएलए ट्रुप्स पैनिक्ड, ये संडे गार्जियन का रिपोर्ट है।
तो पैनिक में आ गया। क्यों पैनिक में आया, क्यों शांति व्हाइट फ्लैग दिखाया, क्यों शांति की बात किया कि मिलिट्री कमांडर्स को, यहां पर मैंने आपको शतरंज की चाल में मात किया है। अब आइए, आपने कहा कि घोड़े की चाल चले आपने, ढाई घर नेपाल और फिर पाकिस्तान। जो नेपाल का आपने चाल चला वो हमारा, हमारे जो ट्रुप्स हैं वहां मोबिलाइज करके तैयार हैं नेपाल के को सामना करने के लिए। नेपाल एक बहुत छोटा देश है और हालांकि गुरखाज लोग बड़े अच्छे सोल्जर होते हैं, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के फौज के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ चीन चाहता है एक फ्रंट खोलना, तो आपने नेपाल का फ्रंट खोला, हमने भी अपना घोड़ा मूव किया और वहां पर आपको, आप पे ब्रेक लगाया। अब आते हैं पाकिस्तान पे। देखिए, जब हम शुरू से हमारी प्लानिंग रही है टू फ्रंट स्ट्रेटजी वॉर, पाकिस्तान चीन के वॉर टू वॉर फ्रंट सिनेरियो से हम लोग अवगत हैं और पूरी ऑपरेशनल प्लानिंग कंटिजेंसी प्लानिंग उसी के अनुसार है। तो आपने जो ये हाथी चला पाकिस्तान का, तो हमने भी चला, हम भी पाकिस्तान को बॉर्डर पर पूरी तरह से सिक्योर की, मतलब उसके खिलाफ अपनी पूरी तैयारी कर बैठे हैं। और इस बार यदि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी साहस दिखाने की कोशिश की, तो 1971 में तो हमने 93,000 कैदियों को लौटा दिया, 1965 में तो हमने सब कैप्चर्ड टेरिटरी लौटा दिया, इस बार कुछ नहीं लौटेगा। सर, 14 देशों से सीमा लगती है चाइना की या 26 देशों से उसका विवाद है, तो क्या हम वो फ्रंट भी खोल सकते हैं? एकदम आपने सही कहा, 14 देश से सीमा लगती है, 26 देशों से उसका विवाद। जब आपका घर मेरे घर के बगल में नहीं है तो सीमा विवाद किस बात का? इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये विस्तारवाद की राजनीति है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि चीन जितना भौगोलिक क्षेत्र क्लेम कर रहा है 26 देशों पे, वो मौजूदा चीन के भौगोलिक क्षेत्र से ज्यादा है। पूरा चीन का जो भौगोलिक क्षेत्र है और जो अभी चीन क्लेम कर रहा है वो उससे ज्यादा है। ये कितना विरोधाभास है, आप अपने पूरे एरिया से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं और उसका ऐतिहासिक क्या प्रूफ है, सबूत है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ विस्तारवाद की नीति। तो ये है, तो हमने आपको पाकिस्तान को भी आपके फ्रंट पे आपको आपको रुक जा थम कर दिया, रोक दिया, ये हो गई। अब हम आते हैं जो आपने कहा कि जो दूसरे देशों के फ्रंट पे हम लोग को चाहिए कि चीन कहां कहां वीक पड़ता है, हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, ये सब जगह कमजोर पड़ रहा है, उसको समस्या है, हमको ये फ्रंट खोलने की जरूरत है, हमको साउथ चाइना सी में फ्रंट खोलने की जरूरत है। देखिए, जो वॉर की स्ट्रेटजी होती है कि जब चाणक्य कहते हैं कि जब एक शक्ति जो है आप अपनी मिलिट्री शक्ति एक बिंदु पे लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो वहां पे जो इंटेंसिटी होती है, जो गति होती है, जो जो उसमें स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है। जब आप उसको डाइवर्ट कर देते हैं तो उसकी शक्ति बहुत छिन्न हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, क्योंकि मल्टीपोरल मल्टीफ्रंट खेल हो जाता है। तो हम यदि ताइवान, तिब्बत, हांगकांग का चैप्टर खोलें साउथ चाइना सी में क्वाड के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, हिंदुस्तान, क्वाड के माध्यम से दबाव की राजनीति वहां खोलें, तो चीन को पर फोस्टों की, चीन की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है साउथ चाइना सी, वो उसका वीकनेस है, वो वहां एयर बस बेसिस बना के अपने एयर स्ट्रिप बना ही रहा है, ग्रैब कर रहा है फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम वगैरह का जो ईईजेड है उसको भी ग्रैब कर रहा है। यदि हम वहां हम एक्टिव हो जाते हैं तो चीन के ध्यान बटेगा और चीन समझेगा कि वो तो तीन फ्रंट खोल रहा था, हम तो यहाँ पांच छह फ्रंट उसके लिए खोल रहे हैं। और एक और मैं फ्रंट खोलना चाहता बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा जो फ्रंट है चीन के खिलाफ है वो आर्थिक फ्रंट। एक दुकानदार जब तक अपना सामान नहीं बेचेगा ना, तब तक उसको नींद नहीं आएगी और वो बहुत चिंतित रहेगा। 130 करोड़ की आबादी, हम यदि सामान लेना बंद कर दें, हालांकि उसके बहुत रेमिफिकेशंस हैं, थोड़ा हमको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि भूतकाल के सरकारों से, भूतकाल के सरकारों ने जिस तेज गति से स्वावलंबी बनना चाहा था, बनने की जरूरत थी इस देश को, मेक इंडिया के तहत या आत्मनिर्भर होने के लिए जो मोदी जी भी बोले हैं, ऐसा हुआ नहीं।